नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उज्जैन के बड़नगर के संगम ग्रुप ने 32वें वर्ष नवरात्रि में किया रंगारंग कार्यक्रम। माता रानी की स्थापना कर रंगारंग गरबों का किया आयोजन। नवरात्रि का पावन पर्व पर चारों ओर शक्ति की भक्ति के साथ रंगारंग गरबे व सांस्कृतिक आयोजन हुए। इसी कड़ी में बड़नगर के संगम ग्रुप द्वारा 32वें वर्ष में भी नवरात्रि में माता रानी की मूर्ति स्थापना कर 9 दिन तक गरबे व अनेक आयोजन किए गए। उक्त ग्रुप के अध्यक्ष संतोष सिसोदिया ने बताया, माता रानी की स्थापना दिवस से प्रतिदिन बड़ी संख्या उपस्थित। माता रानी की महाआरती के बाद लड़कियों द्वारा रंगारंग गरबे प्रस्तुत किए गए। दशहरा पर माता रानी को 56 भोग लगाकर महाआरती उतारी गई। 9 दिन तक गरबे खेलने वाली लड़कियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया तथा एकादशी के दिन एक भव्य सुंदर झांकी सजाकर पहाड़ों पर माता रानी को विराजमान कर चल समारोह गरबा स्थल से प्रारंभ होकर शहर के जुना शहर, डाबरी चौक, धान मंडी, गांधी चौक होते हुए चामला नदी ओर पहुंचा। मूर्ति विसर्जन कर समारोह का समापन किया गया। चल समारोह में बदनावर की गरबा पार्टी द्वारा शानदार गरबा किया गया। साथ ही संगम ग्रुप की गरबे की लड़कियों और महिलाओं द्वारा भी गरबा किया गया। उक्त आयोजन में दर्शन चौहान, धीरज राठौर, अजय सोलंकी, रवि कोहली, गोकुल बैरागी, मनीष चौहान, सचिन सिसोदिया, सुनील परमार, गौरव भदौरिया, अनिल चौहान, मीडिया प्रभारी विजय सोलंकी प्रतिदिन सेवा देकर उक्त आयोजन की गरिमा को बढ़ाया। बड़नगर संवाददाता जितेंद्र चांगेसिया की रिपोर्ट।